आइए। गुड्डा से नहीं, अच्छा संथाल से आप लोग आए हुए हैं, क्या हालत है उधर? उधर तो बहुत अच्छा हालत है, बहुत अच्छा हालत है। इसका अच्छा हालत सुदेश माथुर का जी। अच्छा सुनील माथुर का, सुदेश माथुर का, सुदेश माथुर। पार्टी जीत रही है? नहीं, आप लोग जीत रहे हैं? हम लोग जीत रहे। पढ़ाई लिखाई करते हैं कि राजनीति करते हैं फुल टाइम? हम लोग तो अभी पढ़ाई लिखाई बोले चलो वहाँ जा रहे हैं कुछ सहयोग करने के लिए। पढ़ाई लिखाई चल रहा है अभी? अभी हम लोग इंटर कर रहे हैं। इंटरमीडिएट कर रहे हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन करना है कि नहीं? हाँ ग्रेजुएशन करता है। टाइम राजनीति नहीं, फुल टाइम राजनीति, सहयोग तो करना पड़ेगा राजनीति में। और छात्र लोग बड़ा आंदोलन कर रहा है, जेपीएससी का, जेएसएससी का, शिक्षक बहाली का, क्या लग रहा है उन लोग, क्या बोलना चाहते हैं? वो सब बोल रहा है जैसे हम लोग का हक है, मांगना चाहिए, उस तरह नहीं मिल पा रहा है इसीलिए नहीं हम लोग। रुको भाई, जब बोल रहे थे बोलने दो। तो मतलब ये लगता है आप लोग उनके साथ हैं कि? हाँ हम लोग साथ है, पूरा साथ है, सहयोग है पूरा। आपको इंटरेस्ट नहीं है छात्रों में? हाँ इंटरेस्ट का नहीं है, बात सुनना चाहिए ना। हाँ छात्रों की क्या समस्या है गोड्डा में? गोड्डा में सब ठीक है, सब ठीक है। अभी मतलब संथाली वाला ही है, बहुत कम है। हाँ भाषा वगैरह, भाषा वगैरह कम है अभी पूरा। अभी हम विषय है ना, झारखंड जिनके लिए बना है उनके लिए, तो झारखंड में क्या कुछ हो रहा है ये जानना समझना जरूरी है कि नहीं? यस जरूरी है। हाँ अब देखिए कि तमाम जो नौजवान लड़के हैं, छात्र हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और तमाम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी की स्थिति ठीक है, लेकिन पार्टी की स्थिति अपनी जगह ठीक होगी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि छात्रों की स्थिति क्या है और छात्र क्या कुछ सोचते हैं, उनकी क्या कुछ अपनी स्थिति है, वो जानना समझना जरूरी है। और महाधिवेशन के माध्यम से ये चीज़ हम निकाल कर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही तीसरे दिन महाधिवेशन के एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा, लेकिन एक विजन डॉक्यूमेंट इस बात को लेकर स्पेसिफिक जारी होना चाहिए कि झारखंड में 23 वर्षों में झारखंड के छात्रों का, झारखंड के रहने वाले वास्तविक जो बाशिंदों का, उसके लिए कितना भला हो सका है। और खासकर रोजगार के विषय पर कौन सी सरकार कहां तक काम कर चुकी है, वर्तमान जो सरकार है वो अपने कमिटमेंट को लेकर कितना प्रतिबद्ध है, और जो थोड़ा समय उनके पास बचा हुआ है उससे क्या कुछ उम्मीदें हैं। 2024 में लोकसभा और विधानसभा दोनों का चुनाव होना है, लिहाजा छात्रों को लेकर के उनका विजन क्या है, ये बात हम आशु से भी पूछेंगे कि उनका क्या विजन है, उनकी क्या सोच और फिक्र है। लेकिन तमाम उन छात्रों से विभिन्न जिलों से जो आए, अच्छा मौका लगा आज कि विभिन्न जिलों से जो लोग आ रहे हैं उनसे पूछ लिया जाए कि छात्रों की क्या कुछ स्थिति है और छात्रों की क्या परेशानी है। तमाम लोगों ने कहा कि छात्रों की समस्याएं सड़क पर उतर रहे हैं, उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। एक छात्र ने तो यहां तक कहा कि छात्रों को पढ़ाई लिखाई के साथ राजनीति में भी आनी चाहिए। एक बार फिर से तस्वीरें हम दिखाएंगे, हमारे कैमरामैन नितिन जो हैं वो तमाम तस्वीरें आप तक पेश कर रहे हैं। अंदर की भी थोड़ी तस्वीरें हम दिखा देंगे, लेकिन बाहर की तस्वीर इस वजह से हम दिखा रहे हैं क्योंकि अंदर जाने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है, लिहाजा यहाँ पर जो बात हो जाएगी वो बेहतर तरीके से बात हो पाएगी। और सुदेश महतो जो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आगमन अभी तक नहीं हुआ है, उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच लगातार जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि तमाम नेताओं से, तमाम लोगों से, तमाम प्रतिनिधियों से आपकी बात कराई जाए। और जो इस महाधिवेशन की सबसे खूबसूरत बात है वो ये कि तमाम जो दल है उसको आमंत्रित किया गया है, उन दल में से कौन से जो दल हैं वो लोग अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं और उनका क्या कुछ रुख रहता है वो भी हम दिखाएंगे। अंदर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक बार फिर से अंदर ले चलते हैं आपको, थोड़ी आपको वहाँ पर लोगों की आमद नज़र आएगी और लगातार जो है वो लोग पहुँच रहे हैं और आप देखिए किस तरह से लोगों की आने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। और सामने में जो बड़ा सा स्क्रीन आप देख पा रहे हैं जिसमें आसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो की तस्वीर लगी हुई है और उसमें तीन डेट मेंशन है, आप देखेंगे 29-30 सितंबर और 1 अक्टूबर, जो तीन तारीख मुतय्यन की गई है। उन तीन तारीख में से आज पहला दिन है, यानी 29 तारीख है, 29 सितंबर का दिन है। तो लगातार जो है लोगों के आने का सिलसिला जारी है, हालांकि अभी कुर्सियाँ खाली नज़र आ रही हैं लेकिन थोड़ी देर में आपको ये बिल्कुल पैक नज़र आएंगी। और उसके साथ गर्मी भी बढ़ रही है और उमस की वजह से लोग थोड़े परेशान भी हैं। तो लगातार हम लोगों ने कोशिश की है कि तमाम लोगों से बातचीत कराई जाए, तमाम लोगों से जाना समझा जाए इस महाधिवेशन को लेकर वो क्या कुछ सोचते हैं और उनकी क्या कुछ राय है। और ये देखिए तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए अलग अलग जो बैठने की व्यवस्था की गई है, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के लिए व्यवस्था की गई है, तमाम जो ज़िले से लोग आएंगे उनके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है ताकि वो लोग अपनी बातों को यहाँ पर बेहतर तरीके से रख पाएँ। तो अब से थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था बिल्कुल यहाँ लोगों की संख्या नगण्य थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि लगातार जो है लोग जो हैं वो पहुँच रहे हैं और ख़ासकर संथाल से जो लोग हैं, दुमका से लोग आए हुए हैं। अच्छा दुमका से, और दुमका का ख़ास महत्व है पूरे झारखंड में। आपका नाम हुआ दिलीप दत्ता, सदस्य हुए आपने, क्या दुमका में क्या स्थिति है पार्टी की?
दुमका में पार्टी की स्थिति तो अभी ठीक ही है, हर मैंने प्रखंड में हमारा संगठन बनी हुई है और उसको हम लोग अब गांव-गांव जाके उसको अलग जगाने का काम करेंगे और सुदेश जी का आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का काम। दुमका में तो आपको पता है कि एक पार्टी का वर्चस्व है वहां पर, एक परिवार का वर्चस्व है, उसको कैसे तोड़ पाएंगे? उसके लिए हम लोग कड़ी मेहनत करेंगे, जो भी टाइम है उसमें करेंगे और सुदेश जी का अरमान को हम लोग पूरा करेंगे। दुमका में स्थिति ठीक है अभी, ठीक है अभी आंसू के लिए जी। हेमंत सोरेन जाते हैं, उनके परिवार के लोग जाते हैं, किस तरह उनका इस्तकबाल होता है, किस तरह लोग उनको देखने के लिए आतुर रहते हैं, क्या आंसू वहां पर अपनी जमीन तैयार कर पाएगी 2024? बिल्कुल बिल्कुल, आंसू एकदम एकदम तैयार करेगी इस बार, एकदम एकदम भरोसा। ये देखिए लगातार जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो विभिन्न जिलों से जो लोग आए हुए हैं उनसे पूछ रहे हैं और उनसे जान समझ रहे हैं कहां कहां से कौन कौन से जिलों से लोग आए हुए हैं, तो बेहतर व्यवस्था हम कह सकते हैं इस पूरे महाधिवेशन की और बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ों को यहां पर रखा गया है ताकि किसी तरह की उलझन की स्थिति उत्पन्न ना हो। और आप ज़्यादा कहां से आए हुए हैं? सरायकेला। सरायकेला से? अच्छा, सरायकेला में तो अब अच्छा अच्छा होगा पोजीशन पार्टी का। हाँ, क्या लग रहा है 2024? तैयारी चल रहा है 2024 के लिए। तैयारी का कहाँ टाइम है? बस आखिरी तैयारी, आखिरी तैयारी है, फाइनल तैयारी है 2024 के लिए। और पार्टी का आज का क्या निर्णय हो रहा है दो दिन का अधिवेशन में, इसमें पता चल। संदेश लेकर जाएंगे, बड़ा उम्मीद से लोग भेजता है आप लोगों को। संदेश यही है कि पार्टी का निर्णय, जो पार्टी का जो प्रोटोकॉल, पार्टी का संगठन किस तरह से मजबूत किया जाएगा, आज का विचार जो होगा वही सुनेंगे हम लोग, उसी को अपने विचार रखेंगे। हाँ, आप लोग अपना डिमांड समस्या परेशानी। हाँ, हम लोग अपना एरिया के विचार पे रखेंगे, यहाँ पर बात रखेंगे अपने विचार। माहौल है वहाँ पर, मतलब झारखंड के जो आदिवासी मूलवासी समाज है उनकी क्या सोच है और फिक्र? आदिवासी मूलवासी के समाज के विषय में हम आपको बोलना चाहेंगे, झारखंड राज्य अलग होने के बाद ये दोनों समुदाय का कभी आज तक विकास हुआ नहीं है, सबसे पहली बात तो। और यहाँ हेमंत सोरेन जी की सरकार जो बनी है आदिवासी मूलवासियों को विकास करने के लिए बनी थी, लेकिन आशा और निराशा में ही हम लोग चले गए, इसी पर आज हम लोग अधिवेशन में ही। तो कहना चाहते हैं कि इन 3.5 वर्षों में हेमंत सोरेन की सरकार ने आदिवासियों मूलवासियों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। पर सरकार तो गिनाती है, देखिए हम 1932 लेकर आ रहे हैं, वो मामला लटक गया, अलग बात है। ओबीसी आरक्षण को देने की बात ला रहे हैं, पुराना पेंशन स्कीम लेकर आ रहे हैं, सरना धर्म कोड को हमने दिल्ली भेजा है, ऐसे बहुत सारे वादे किए थे। गिनाने में टाइम लग जाएगा आपको बोलने में, लेकिन इन्होंने जो वादा किया था और जो आश्वासन दिया था, जो आशा दिया था यहाँ के झारखंडियों को, आदिवासी मूलवासी को, इसमें पिछड़ गए हैं। आप ये कह रहे हैं मतलब ठगा हुआ लोग महसूस कर रहे हैं, निराश हैं? सुबह ठगा हुआ क्या, बहुत ही ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं यहाँ के लोग, बहुत ही ठगा हुआ महसूस। जिस तरह से बोले थे कि 5 लाख नौकरी दे देंगे यहाँ के लोगों को। अच्छा, आपने विषय छेड़ दिया है, नौकरी का विषय, रोजी रोजगार को लेकर क्या उधर छात्रों की क्या दशा है? रोजी रोजगार तो अभी देखिए निकाले हैं, आदिवासी भाइयों को गाड़ी दे रहा है, दे रहा कि नहीं दे रहा, गाड़ी दीजिए, मुर्गी पालन कीजिए, यही विकास है। हाँ, तो उन्होंने पिछले बार भी कहा था कि आप स्वरोजगार कीजिए, जैसे मुर्गी पालन कह रहे हैं ना, वो स्वरोजगार के स्वरोजगार करिए, लेकिन नौकरी के विषय में अभी तक मिला नहीं है। आप चाहते हैं स्वरोजगार उससे काम नहीं चलेगा, नौकरी होनी चाहिए? नहीं, होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, लेकिन वो भी तो सही तरीके से नहीं मिल रहा है, नहीं हो पा रहा। यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी चावल भेज रहा है, वो भी सही तरीके से झारखंड गवर्नमेंट यहाँ पर वितरण नहीं कर पा रहा डीलर को। ये तो सबसे बड़ी बात है कि जो अनाज जिनको नहीं मिल रहा है वो तो सबसे बड़ा बड़ी बात। अच्छा, 10 में से कितना नंबर दीजिए? 3.5 साल अब सरकार अगले साल चुनाव में फेस करने, कितना मार्क्स देना चाहिए? मार्क्स की तो बातें क्या बोले आपको, मार्क्स के लिए बस अपने तरफ से दो मार्क्स देंगे, दो मार्क्स देंगे। ये सर जितनी समस्या है उसका निराकरण उसी वक्त होगा जब सुदेश जी या NDA आंसू सत्ता में आ जाए। जब तक NDA सरकार नहीं बनती तब तक झारखंड का विकास हो नहीं सकता, ये जान लीजिए, यकीन है। ठीक है, तमाम लोगों का अपना मंतव्य है, अपनी सोच और फिक्र है, उनका स्वागत है। लेकिन सबसे खास बात और अहम बात यह है कि इस महाधिवेशन के माध्यम से जो एक विजन डॉक्यूमेंट बनाने की बात कही जा रही है, जिसमें झारखंड के रूपरेखा होगी विकास की, डेवलपमेंट की, उसके संरचना की और भविष्य को लेकर के, उन चीज़ों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारी भी कोशिश यही है कि इन 3 दिवसीय महाधिवेशन के माध्यम से ये जाने समझे
कि आसू आखिर बताना क्या चाहती है? लगातार उनके पार्टी के नेताओं से, केंद्रीय अध्यक्ष से, पार्टी के विधायकों से बातचीत हो रही, तमाम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक यूनिक इनिशिएटिव लिया है झारखंड की राजनीति में, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों को, तमाम अलग अलग विचारधारा वाले लोगों को एक मंच पर आम राय को एक राय बनाएंगे। लेकिन ये एक राय बन पाती है या नहीं बन पाती है, सबसे अहम और खास बात यह है कि झारखंड गठन के 23 वर्ष होने वाले हैं। अगर इन 23 वर्षों में झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों और वास्तविक बाशिंदों का भला नहीं हो पाता है, उनका हक और अधिकार संरक्षित नहीं रह पाता है, तो एक बार सोच विचार करने की जरूरत बन जाती है। फिलहाल हमारी तरफ से इतना ही। हमारी कोशिश यह है कि दिन भर जो एक्टिविटी हो, अगले 3 दिनों तक जो एक्टिविटी हो, उसकी पल पल की जानकारी आप तक पहुँचाएं। फिलहाल मुझे हमारे कैमरा सहयोगी नितिन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।